आपका स्वागत है नए वीडियो में। इससे बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। सो र्यूमर्स ये है कि चेन्नई एफसी के लिए बात करें डिक्लेन गैलेगर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। डिक्लेन गैलेगर चेन्नई में नहीं आने वाला है, क्योंकि डिक्लेन गैलेगर ने ऑलरेडी डुंडी यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अभी साइन किया है। लेकिन फिर भी अगर ये डील होता तो नो डाउट काफी अच्छा डील होता, क्योंकि डिक्लेन गैलेगर काफी बढ़िया सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर है। 32 एज इनका, तो एक्सपीरियंस भी है। 3.4 करोड़ इनका करंट मार्केट वैल्यू। से पहले इन्होंने सेंट मरीन, एबरडीन एफसी, मदुरई एफसी, लिविंगस्टन एफसी जैसे क्लब्स में खेला है, सेल्टिक के अंडर 20 टीम में खेला है। तो हाँ, उस सेंस में एक्सपीरियंस काफी है इनके पास। एंड अभी के लिए तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है डुंडी यूनाइटेड के साथ 2025 तक, तो काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और स्कॉटलैंड का नेशनल टीम का होके भी इन्होंने 10 मैचेस खेला है। सो सी अगेन, अच्छे खासे हाई प्रोफाइल लेवल के प्लेयर है, बट चेन्नई में इस साल तो एटलीस्ट नहीं आने वाले। एंड अगर हम लोग इनका लास्ट इनका परफॉर्मेंस भी देख ले तो वो भी बढ़िया ही था। टोटल इन्होंने 32 मैचेस खेला था और 2 गोल किया था, बट इनका काम गोल करना है भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैक पोजीशन पे रहे। सो जो भी हो, टारगेट अच्छा था, लेकिन ये डील सैडली हो नहीं पाया। नेक्स्ट उधर है गोवा एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स दोनों की तरफ से। सो एज बिकॉज इसी को ऑलरेडी कार्ल मैक्यू का साइनिंग तो कंप्लीट कर ही लिया है, एंड बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। जितने भी पेपर वर्क था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो हाँ, डेफिनेटली कार्ल मैक्यू एक बहुत ही ज्यादा बड़ा साइनिंग है एफसी गोवा के लिए, एंड बोलूंगा एक काफी बेटर रिप्लेसमेंट है एडुबेडिया के लिए। मतलब पाउलो रेट्री मैं नहीं बोलूंगा खराब प्लेयर, लेकिन कार्ल मैक्यू के पास वो एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, एंड फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, और वो एक टॉप नॉच डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया साइनिंग है गोवा के लिए। लेकिन अब मोहन बगान, एज बिकॉज यू नो उन्होंने प्लान किया था कि वो कार्ल मैक्यू को डेफिनेटली रखने वाले, लेकिन अभी सैडली बिकॉज कार्ल मैक्यू निकल चुका है, तो उनके जगह में नए फॉरेन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर को लाया जाएगा। और बेसिकली अभी तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड से भी ज्यादा मोहन बगान सुपर जायंट्स का टारगेट है कि सेंट्रल बैक में एक अच्छा फॉरेन प्लेयर चाहिए। ऑल्दो ऑलरेडी फ्लोरेंटिन पोग्बा को ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, लेकिन फिर भी उनको बस ट्रेनिंग के लिए ही लाया गया है, उनका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा ना रहे तब उनको फिर रिलीज कर दिया जा सकता है, काफी ज्यादा हेवी चांस है। एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स करेंटली एक टॉप क्लास सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर को ढूंढ रहे, यूरोपियन प्लेयर को ढूंढ रहे करेंटली। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मोहन बगान में कौन सा नया सेंट्रल बैक पोजिशन का प्लेयर आता है। एंड गोवा की साइनिंग को लेकर, कार्ल मैक्यू के साइनिंग को लेकर आपके क्या थॉट्स, आपके ओपिनियंस है, क्या कार्ल मैक्यू के प्रॉपर रिप्लेसमेंट है एडुबेडिया के, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट उधर है केरला ब्लास्ट एफसी की तरफ से। रूमर्स काफी स्ट्रांग है कि ईशान पंडिता केरला ब्लास्ट एफसी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड ईशान पंडिता ने केरला के साथ 2+1 ईयर का डील साइन किया, मतलब 2 साल का अभी के लिए तो डील है। उसके बाद केरला के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एक और साल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करवा सकते हैं। एंड सी ईशान पंडिता, उन्होंने बोली जाते कि इस साल ऐसे क्लब में जाना चाहते हैं जहां पर उनको प्रॉपर प्ले टाइम ऑफर किया जाएगा, रेदर देन सिर्फ सब्स्टिट्यूट उनको यूज किया जाएगा। ऑल्दो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, और ईशान पंडिता के ऊपर काफी सारे क्लब्स इंटरेस्ट भी दिखाया था, तो जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता तब तक मैं बोलूंगा थोड़ा सा वेट कर जाना चाहिए सबको, बिफोर यू नो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर ले, क्योंकि चेन्नई भी थे रेस में। लेकिन रूमर्स है कि 2+1 का डील ऑलरेडी कर लिया, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ईशान पंडिता को केरला में कितना मौका मिलेगा अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है मैं। खैर, वो तो अगर वो जाते हैं केरला में तो ही पता चल जाएगा उनको कितना मौका मिलने वाला है। वैसे इस डील को लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस, ये था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी कंटेंट अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं के साथ तब तक के लिए बाय।